नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन के शासकीय स्वामी विवेकानंद कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन। विद्यार्थी परिषद ने सोमवार सुबह 10:30 पर कॉलेज के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी मनोज सिंह ने छात्रों को समझने की कोशिश की तो छात्रों का कहना था कि आप अगर इन समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम अभी कॉलेज के गेट से हट जाएंगे। इसके बाद SDM मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे और छात्रों की बात सुनी। छात्रों ने SDM से कॉलेज के प्रोफेसर के अपडाउन करने से समय पर कक्षाएं प्रारंभ नहीं होने सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराया। छात्रों ने SDM मुकेश कुमार से भी कहा कि अगर आप कॉलेज की समस्याएं हल करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम कॉलेज के गेट का ताला अभी खोल देंगे। इस पर SDM ने कहा कि जो भी जायज मांग होगी उसको पूरा किया जाएगा। इसके बाद छात्र मान गए और कॉलेज के गेट का ताला खोल दिया। इसके बाद विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक अश्विनी पटेल सहित अन्य छात्रों ने SDM को कॉलेज के अंदर ले जाकर पीने के पानी, कंप्यूटर लैब सहित अन्य समस्याएं बताई। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। किन मांगों के लिए आज कॉलेज में तालाबंदी की गई थी? मांग ये है कि टाइम पे क्लास नहीं लगती, 10 बजे का लगने का टाइम है क्लास का, तो सर मैडम अभी तक नहीं आए इस कॉलेज में, इसलिए हमने तालाबंदी की थी कि आज सबको पता चले कि कौन कितने टाइम पे आ रहा है। इसलिए और सबसे यहाँ समस्या इतनी है कि लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल नहीं है, दूसरी समस्या ये है कि अपने साइंस लैब में साइंस का सामान अवेलेबल नहीं है, तीसरी समस्या ये कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, कंप्यूटर बंद ही पड़े हैं, इसलिए वो बंद पड़ी है लैब पूरी। ये तीन सबसे मेन समस्या है। जैसे छात्र आते हैं टाइम पे क्लास नहीं लगती तो सब बच्चे वापस चले जाते हैं, इसलिए हमने आज तालाबंदी की थी। क्या SDM सर आए थे, उन्होंने क्या बोला है? SDM सर ने बोला है कि मैं करवाता हूँ सबको मेला में से बात करके, अब वो बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। क्या नाम लिखते हो? अश्वनी पटेल, जिला संयोजक, रायसेन।